तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। हम लोग भगवान श्री राम कृष्ण के साथ भक्तगण का सत्प्रसंग का चर्चा कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण दिवस पर वो था दोल पूर्णिमा। दिनांक 1 मार्च 1885 ईस्वी में रविवार। फाल्गुनी पूर्णिमा में होली उत्सव के उपलक्ष्य पर सब भक्तगण आए थे। आठ ठाकुर के कमरे में बैठकर भगवत प्रसंग कर रहे थे, जिसका चर्चा हम विशद रूप से किए हैं। लेकिन एक बात लक्षणीय है कि ठाकुर क्यों यह दोल पूर्णिमा मनाया एवं इसका विस्तार से विवरण मास्टर महाशय क्यों लिपिबद्ध किया, इसके गहरी तात्पर्य है साधारणतः जो दोल पूर्णिमा का उत्सव है, होली उत्सव मना जाता है और सारे देश में अन्यतम प्रधान उत्सव के रूप में परिगणित है। एक दिवाली और दूसरा होली, और छुट्टी मनाया जाता है एवं रंग का व्यवहार करते हुए इसे फेस्टिवल ऑफ कलर्स आनंद उत्सव है। लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ है, जो कि भगवान श्री रामकृष्ण यहाँ पर सूक्ष्म रूप में उन्मोचित किया एवं मास्टर महाशय अत्यंत दक्षता के सहित उसका परिवेशन किया। भगवान के प्रत्येक आचरण लक्षणीय है, शिक्षणीय है। सुबह से तो नाना प्रकार सत्प्रसंग हुआ था, फिर नवाई चैतन्य का एक गीत, श्री रामकृष्ण के घर में गीत हो रहा था। इस अवसर पर श्री रामकृष्ण आबीर लेकर मंदिर परिक्रमा में निकले। उनके कामना में बहुत भक्त थे, विशिष्ट भक्त थे, नरेंद्र, गिरीश, मनमोहन इत्यादि महिमाचरण। उनके साथ कोई नहीं गया, एकमात्र मास्टर महाशय जो कि ठाकुर के एकनिष्ठ सेवक थे और ठाकुर के साथ वो मंदिर तक आए। कारण जानते थे भगवान आपोनी आचुरी धर्मो अपोरे सिखाए, क्या करना चाहिए खुद करके दिखाते हैं ताकि भक्तगण वो सीख सकें। तो काली मंदिर में जाने के पहले, राधाकांत मंदिर में पहले आए,
एवं आकर कृष्ण राधिका को आबिद प्रदान किया एवं भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। मास्टर महाशय लिख रहे हैं, देखा देखी मास्टर भी प्रणाम किया, पहले करना चाहिए था, ठाकुर को देखा देखी किया। उसके उपरांत काली मंदिर में गए और काली मंदिर का चाताल पे आरोहण करके ठाकुर भाव विह्वल हो गए। उसके बाद महाकाली के पास जाकर उनको आबिद प्रदान किया एवं मंदिरेर पाका चौत्तर दिए घरे फिरछेन। जो पक्का आंगन है उससे वो घर में लौट रहे हैं। लेकिन एक ही प्रश्न किया मास्टर महाशय को, कोई बाबूराम के आन लेना। ठाकुर के अनेक भक्त है, आज के दिन क्यों बाबूराम की याद आ रहा है? का नाम जानते हैं बाबूराम, अष्ट सखी के अन्नतम। आज के दिन गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रंग का उत्सव हुआ था, इसलिए ठाकुर याद कर रहे हैं पूर्व स्मृति, उनको क्यों नहीं लाया। फिर अपने कमरे में लौटकर जितने पट था देव देवियाँ का अवतार का सबको आबिद प्रदान कर रहे हैं। मास्टर महाशय कह रहे हैं दो पट में आबिद प्रदान नहीं किया, दो एक छुबीते आबिद दिलें ना। एक स्वयं का पिक्चर श्री राम कृष्ण और दूसरा ईसा मसीह। हम साधारणतया अपने तस्वीर में हार नहीं पहनाते हैं, वो तो अपना है। तो ठाकुर अपना तस्वीर में दे दिया ठीक है, लेकिन ईसा मसीह का क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ईसा मसीह भी उनसे अभिन्न है, उनका दर्शन हुआ था। ईसा मसीह आविर्भाव होकर उनके शरीर में विलीन हो गए। आरोही ईसा मसीह अपने दो पार्षदों को लेकर श्री राम कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हम जानते हैं कि उनके जो दो पार्षद थे, सन्यासी पार्षद स्वामी रामकृष्ण नंदा एवं स्वामी शारदानंदा, उसके बारे में ठाकुर ने बताया, एरा ऋषि कृष्णेर दले छिलो, अर्थात ईसा मसीह के साथ इन लोग आए थे। परवर्ती शोध में हमें पता चला कि साइमन, जिसका दूसरा नाम था पीटर, एवं उसके भाई एंड्रू इनकार्नेटेड है स्वामी रामकृष्ण नंदा एंड स्वामी शारदानंदा रिस्पेक्टिवली। के जीवन के साथ इनका बहुत ही संयोग था और आज स्वामी रामकृष्णानंद जी के जन्म जयंती, जिनके बारे में विशद चर्चा संधारित्र के उपरांत होगी। तो पट में अबीर लगा के ठाकुर उनके कमरे से निगत हुए और बरामदा में नरेंद्रनाथ बैठे थे, उनके अंग में अबीर दिया। अन्य भक्तगण भी अबीर प्रसाद मिला और उन लोग सब प्रणाम किया।
अभी हम देखते हैं ये जो दोल पूर्णिमा का उत्सव है इसका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है। ये बहुत प्राचीन उत्सव है, हमारे जो पुराण कहते हैं कि निसिंह भव अच्छा वो निसिंह रूप से भगवान का आविर्भाव हुआ था, हिरण्यकशिपु को दलन करने के लिए वो आज के दिन में ही हुआ था। असुर दलन और इसके पहले होली का दहन भी हुआ था, ये भी उल्लेख है। हम लोग जानते हैं कि हिरण्यकशिपु के उस आगे बहन होलिका, उनके अलौकिक क्षमता था, उनका सरस्वती से वर मिला था कि अग्नि से कभी उसका विनाश नहीं होगा। तब हिरण्यकशिपु किसी हालात से प्रह्लाद को अपना पुत्र को, जेहेतु वो नारायण का भक्त है और वो असुर है, तो अपना पुत्र को वध करना चाहा, हाथी के नीचे फेंक दिया, सागर का भीतर फेंक दिया, पर्वत को ऊंचा से फेंक दिया, किसी आलस से प्रह्लाद को वध नहीं कर पाया। राखी कृष्ण हमारे के भगवान स्वयं जिसका रक्षा करता उसको कोई नहीं मार सकता है। फिर ये अपना बहन को बुलाया और एक बहुत बड़ा अग्नि का स्तूप बनाया और ये बंदोबस्त हुआ कि होलिका अपने भतीजा को पकड़ करके अपने गोद में बिठाएंगे और जब वो अग्नि में प्रवेश करेगा तब आग जला दिया जाएगा। होलिका तो कुछ होगा नहीं लेकिन प्रह्लाद जल के खाक हो जाएगा। लेकिन हुआ फल उल्टा, होलिका का दहन हो गया था। होलिका सब माँ सरस्वती को याद करके बताया ये क्या हो रहा है। तब सरस्वती जी ने बताया तुम तुम्हारा जो वर को दुरुपयोग किया है, भगवान के भक्त अविनाशी इसके खिलाफ तुम तुम्हारा शक्ति का प्रयोग किया, शक्ति का अपव्यवहार हुआ, तुम्हारा पास ये शक्ति नहीं रहेगा और ये पाप के लिए तुम्हारा तत्काल मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए ये होली का दहन भी हम लोग मनाते हैं दोल पूर्णिमा का पहले दिन। ये इसका सांकेतिक अर्थ है अशुभ शक्ति का निधन, इसको हम लोग चैंचोड़ कहते हैं, ताकि अशुभ शक्ति के निधन के बाद भगवान का आविर्भाव होगा दुष्ट दलन करने के लिए। इसे निश्चिंग भगवान को हुआ था प्रह्लाद के प्रार्थना पर। आज के दिन का जो दूसरा तात्पर्य है इसको मदनोत्सव भी कहलाता है। और इसको बसंत उत्सव भी कहा जाता है। इट्स कॉल्ड द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स अर्थात इस दिन में प्रकृति ऐसे स्वभाव धारण करते हैं ताकि हमारे मन में जितने कामना वासना
वो संतुलित रहता है। और इस दिन में हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को करीब पहुंच जाते हैं और प्रकृति भी शांत रहता है, वातावरण भी हमारे आध्यात्मिक जीवन का अनुरागी होता है। लेकिन इसका दुरुपयोग करने से क्या होगा, एक तो देखा होलिका का जीवन में और दूसरा यहाँ पर है कि स्वयं देवादिदेव महादेव ध्यान मग्न थे और कामदेव मदन उन्होंने सोचा यही एक अवसर है, इस समय में हम काम शार निक्षेप करके महादेव का ध्यान भंग करूंगा ताकि वो पार्वती के पास आकृष्ट हो सके। पादवी भी पार्वती भी तवस्य निरत थे लेकिन भगवान तो ध्यान मग्न है। तो जैसे ही सब प्रयास शुरू किया शिव जी का ध्यान में विघ्न हुआ और उन्होंने समझ लिया क्या चल रहा है। थोड़ा से आंखें खोलकर जब देखा मदन के ये सब कीर्ति चल रहा है, दृष्टि मात्रे न मदन भस्मीभूत हो गए। फिर मदन भस्म के बाद उनके पत्नी रतिया के बहुत विलाप किया, फिर मदन का पुनरुद्धार हुआ, उसे दूसरा कहानी है। फिर मूल विचार है कि इस समय में जो संतुलन का बात चल रहा था मानव और नारी, पुरुष और नारी इस समय में करीब हो जाते हैं, उसके जो चरित्र, इसलिए भगवान शिव को कहा जाता है अर्ध नारीश्वर। भगवान का कोई लिंग नहीं रहता है। एक गाना में है, तुम्हें पुरुष की नारी आमी बुझीते नारी, स्वयं ना बुझले ताकि बुझीते परी। तुम्हें आधा राधा आधा कृष्ण साजिले वृंदावने। एकबार बीरा जोगमा हृदय कमल आसने। भगवान श्री रामकृष्ण के जीवनी में भी ऐसी दिखाई जाता था, जिसके उल्लेख स्वामी शारदानंद जी श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में किया है कि श्री रामकृष्ण भाव मुख में अधिष्ठित होने के उपरांत नारियों के साथ नारियों जैसे व्यवहार करते थे, पुरुष के साथ पुरुष के जैसे व्यवहार करते थे। तो स्त्रियां उनको अपना ग्रुप में मानते थे, स्त्री जैसे मानते थे, निसंकोच में बिहेव करते थे, वैसे कि जो पुरुष। इसमें इतना कन्फ्यूशन हो गया तो गिरीश चंद्र घोष एक बार श्री रामकृष्ण को पूछा, आप पुरुष है ना नारी है? श्री रामकृष्ण ने कहा मुझे पता नहीं। स्वामी शारदानंद जी उल्लेख किया था जी, उत्तर सुनकर हम लोग निर्वाक हो गए। कि स्वयं भगवान ही जानते हैं वो क्या है। तो ये जो होली का जो तात्पर्य है ये हमें भगवान का नज़दीक पहुंचा देते हैं, इसके एक अवसर है। भगवान भी चाहते हैं
हम भगवान के नज़दीक पहुंच जाए, लेकिन एक अंतराय है। हमारे भीतर आसक्ति है, इसको राग कहलाता है। स्वामी विवेकानंद एक प्रार्थना में, आरथिक भजन में, इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण प्रार्थना करते हैं, वंचनो कामो कांचनो अति निंदितो इंद्रियो राग त्यागीश्वरो हे नरवरो देह पदे अनुराग। राग मतलब आसक्ति, जो इंद्रिया शक्ति है ये निंदनीय है। ये काम कांचन में जो आसक्ति है, अटैचमेंट फॉर लस्ट एंड वेल्थ, दिस स्टैंड्स इन द वे फॉर अस टू बी यूनाइटेड विद गॉड। इसलिए प्रार्थनीय है कि आप त्यागी के बादशाह हो, हमारे मन में त्याग का अंजन लगा के आपके चरण में मेरा अनुरक्ति दीजिए। तो इंद्रिय के राग ईश्वर के अनुराग के माध्यम से खंडित हो जाता है। तो श्री कृष्ण लीला में इसलिए होली उत्सव एक विशेष स्थान अधिकार किया है। वृंदावन में प्रधानतः दो पूर्णिमा का बहुत धूमधाम करके आयोजित होता है, एक रास पूर्णिमा और दूसरा दोल पूर्णिमा। रास पूर्णिमा का तात्पर्य है कि भगवान ही खुद भक्त को बुलाने के लिए बंसी ध्वनि किया, वो सबको सुनाई पड़ा, लेकिन सिर्फ पवित्र गोपीगण रेस्पॉन्डेड, वो सुन के भगवान के पास भागा एवं भगवान उनके साथ रास पूर्णिमा में रासमंडल में नृत्य किया। लेकिन रासमंडल में जिनके मन में पवित्रता नहीं है उनका प्रवेश अधिकार नहीं है। तो भगवान का जो भक्तों के साथ मिलन, वो फॉर सिलेक्टेड फ्यू हुआ, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। तो सबके साथ उनका मिलन कैसे होगा, उसका बंदोबस्त है ये दोल पूर्णिमा में, इसमें रंग का बंदोबस्त हुआ है। इस फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो रंग का क्या हुआ, रंग जो राग कहलाता है, एक अर्थ है राग, दूसरा अर्थ है आसक्ति। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं 2-3 सेकेंड अध्याय 3-4 कि ये राग एक क्लेश है, विपर्जय है। ये हमें दुख प्रदान करते हैं, तो ये राग एवं द्वेष दोनों रहते हुए हमारे मन में दुख पैदा होगा। जो हमारा, हम चाहते भगवान को पास हम पहुँचे, आत्मा के साथ हम बैठे,
तो अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशः। तो राग मतलब क्या है? सुखानुषयी रागः, दुखानुषयी क्लेशः। अर्थात सुख पाने के लिए तीव्र इच्छा, उसको राग कहलाता है। और कष्ट पाने के लिए जो हमें मन को संयत करने रखना पड़ता है, कष्ट होता है, उनसे हमारा जो विराग है उसको क्लेश कहलाता है। ये विपर्जय मतलब मन को कष्ट देता है, इसलिए हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। तभी होली का उत्सव का तात्पर्य यही है कि भगवान जब हमें बुलाते हैं तब हम तब सबको अपना लेते हैं। कैसे? रंग का माध्यम से। भजन में कहा जाता है, वृंदावने बोने बोने आज सजनी आबीर डालो। रंग गुलाले नंद लाले थाकबे नार बरण कालो। कृष्ण का जो वर्ण है वो कृष्ण वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर का। और राधिका जो कॉम्प्लेक्शन है एक्सट्रीम वाइट, फर्क है। लेकिन जब दोनों को ही रंग से, लाल आबिर से जो आवरित किया जाता है, तब तो दूरी अंतरित हो जाता है। तो हमारे भीतर जो राग था, जो कि विपर्जय का कारण था, वो अनुराग में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए श्री राम कृष्ण का भजन में बताया, देहो पदे अनुराग, तब निंदित राग अंतरित हो जाएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशः, सब भगवान के अनुराग में मिट जाता है। इसीलिए जो राग है, रंग है, उस रंग से हमें रंजित होना चाहिए। देखिए, मन का कोई रंग नहीं होता है। माइंड इज लाइक ए क्रिस्टल, स्फटिक। स्फटिक का कोई रंग नहीं होता है। वो क्रिस्टल को एक लाल फूल के सामने रखें, उसको लाल दिखाई पड़ेगा क्रिस्टल को, और नील फूल का बगल में रखें, नील दिखाई पड़ेगा। वैसे ही हमारा मन जब विषय के साथ रहेगा तो विषय का रंग पैदा हो जाएगा। मन में कोई रंग नहीं है। और जब भगवत का साथ रहेंगे, भगवान का रंग हो जाएगा। तो ठाकुर का एक कहानी है, एक धोबी था, उसके पास एक डब्बा रंग था। जो कोई आते थे कपड़ा रंग करने के लिए, छिपाने के लिए टू डाई देयर क्लॉथ, वो कहते तुम्हारा कौन सा रंग पसंद है, और जो कलर बोलते थे उसके कर देते। तो एक व्यक्ति दूर से देख रहे हैं, अरे ये तो बड़ा ताज्जुब का बात है, हर किस्म का कलर दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया, भाई
आपका जिस रंग है उस रंग से मुझे रंगाइत कर दो, यही खास बात है। सो लेट अस ऑल गेट डाइड इन द कलर ऑफ गॉड, तब और हमारा भगवान के साथ कोई पार्थक्य नहीं रहेगा। तो तिथि भगवान ने चुना है रास पूर्णिमा के दिन नहीं, दोल पूर्णिमा में। और ये दोल पूर्णिमा तिथि में ही श्री कृष्ण राधा का प्रेम आस्वादन करने के लिए चैतन्य रूप से अवतीर्ण हुए थे आचंडले कोल देवार्जुन में। सबको अपनाने के लिए भगवान यही दिन चुने, इसलिए इस दिन इतना महत्वपूर्ण है। ठाकुर के दरबार में एक ओर से त्यागी शिरोमणि नरेंद्रनाथ बैठे हैं, दूसरे ओर से गौर विषयी गिरीशचंद्र बैठे हैं, तीसरे ओर से महिमाचरण बैठे हैं जो शास्त्रज्ञ गृहस्थ, उधर मनमोहन के बैठे हैं वो तो अभिमानी गृहस्थ भक्त, लेकिन ठाकुर सबके ऊपर फाग लगाते हुए सबको एकाकार कर दिया, अपना प्यार का दरवाज़ा सबके लिए उन्मोचन कर दिया। यही है दोल पूर्णिमा का तात्पर्य। इस अवसर पर हमारा भीतर में जो विषय शक्ति आदि है वो भगवान का प्रेम से हमें रूपांतरित कर लेना चाहिए। इस गंभीर भाव को रविंद्रनाथ एक संगीत में परिवेशन किया, स्वरवितान में भी है और गीतवितान में प्रेम प्रकृति विभाग में है। तुम्ही सन्धार में कुमाला तुम्ही आमारो साधेरो साधना, मम शून्य गगन बिहारी आमी आपन मनेरो माधुरी मिशाए तुम्हारे कोरेछि रचना, तुम्ही आमारी मम असीम गगन बिहारी। तो भगवान को वो कल्पना कर रहे हैं संध्या का मेघमाला के साथ। संध्या काल में मेघ का क्या रंग, तो सामने से दिन भर तो रंग नहीं होता है, लेकिन संध्या काल में क्या होता है, अस्ताचल में जो सूर्य जो गया है उसका छटा मेघमंडल में प्रतिफलित होता है और उसको रंगीन बना देते हैं। तो हमारे मन को तुम रंगीन कर दिया तो मेरा शून्य गगन बिहारी, हमारा जो आकाश है शून्य है, एकमात्र आप ही है। और आपका रूप कैसे, आपोन मोनेरो माधुरी मिशाए, हमारे मन में जितना माधुर्य जो था, जितना प्यार था, उसको हम निर्जस करके हम उसको आपके लिए एक रूप बनाया। योर माइंड एंड माइंड अलोन, यू आर फॉर नो वन एल्स, वेरी प्राइवेट रिलेशन।
और क्या बताए, मम हृदय रक्त रागे तब चरण दिए रागिया। मम सन्ध्या स्वपन बिहारी, हमारा जो हृदय का जो अनुराग है उस रंग से हम आपको चरण में रंग लगा दिया। जो अबीर है, अबीर का जो संकेत है वह है हृदय का प्रेम। पवित्र प्रेम से हम तुम्हारा चरण को रंगायित किया। लेकिन हमारे जीवन में तो सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कहते हैं तब अधर एकेची सुधा विषे मिशे मम सुख दुख भांगिया। तुम्हारा जो रूप मैं कल्पना किया है उसमें तुम्हारा जो लिप्स है, ठोंठ है, ऊँटे हैं, उसमें हमारा जीवन का सुख दुख मिश्रित करके तुम्हारा ऊँटे का रचना हुआ है। या आई हैव शेयर्ड माय प्लेजर एंड पेन, माय सीन एंड वाइसेस आई हैव ऑफर्ड टू यू। मम बीजन गहन बिहारी, यू आर माई वेरी ओन। और हमारा जो जीवन है उसमें बीजन है और कोई नहीं है, बीजन है जीवन बिहारी। और ये संगीत का अंत में बताते हैं मम जीवन मरण बिहारी। एक तो बताया जीवन बीजन बिहारी, तो हमारा जो जीवन में कोई नहीं है, आप खाली अकेले ही हैं। और न केवल इस जन्म में है, आप मेरा जीवन मरण का साथी, आगे भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। और एक संगीत में रविंद्रनाथ कहते हैं जीवन मरणेर सीमाना छड़ाए बंधु है अमार रोए छो दाड़ाए। वो इंतज़ार कर रहे हैं सर्वदा हमारे लिए, अभी कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो आज ही दोल पूर्णिमा के उत्सव पर हमारे जो इटर्नल फ्रेंडशिप है, इस डेट ऑफ रिन्यूअल of our eternal friendship, born of pure love, never dying, never ending, to exist forever. तो ठाकुर ये दोल पूर्णिमा का अवसर पर भक्तगण को खुद ही सिखा रहे हैं कैसे हमारे बीच भगवान को लाना पड़ेगा एवं हमारे पार्थिव जीवन को अपार्थिव बनाना पड़ेगा। आगे जो कुछ प्रसंग होगा हम लोग अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जैसे कहा गया आज स्वामी रामकृष्णानंद जी जयंती, ठाकुर के साक्षात पार्षद ईसा मसीह के अपोस्टल, उनके विस्तृत जीवनी संधारित्र के पास चर्चा होगी, भजन भी होगा, आप लोग सब शामिल होंगे। एक शारदानंद जी रचित सपार्षद श्री रामकृष्ण वंदना
एवं स्वामी विवेकानंद के एक निष्ठ भक्त स्वामी रामकृष्णानंद जी के रचना श्री विवेकानंद पंचकम, वो भी गीत होगा, लिपि भी हम लोग भेज देंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।